बी अ पार्ट ऑफ पावरफुल डिजिटल न्यूज नेटवर्क नवी मुंबई नेटवर्क, तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। नवी मुंबई में 4 जुलाई को 257 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा बढ़कर 7602 तक पहुंच चुका है। वहीं एक्टिव केसों का आंकड़ा 3097 तक पहुंच चुका है। नवी मुंबई हाइलाइट्स, बता दें कि आज एरोली कोबर खेड़ने के बाद आज कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों का असर नेरुल में देखने को मिला। नेरुल में आज सबसे अधिक 69 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े दर्ज किए गए। दूसरे क्रमांक पे रहा कोपर खेड़ने, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दर्ज की गई 50। वहीं घनसोली में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा दर्ज किया गया 35। कोरोना वायरस इनकेट्स, बता दें कि आज 10 साल और उससे कम उम्र के कुल 7 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि इसमें से 1 वर्ष के कुल 2 बच्चे कोरोना से संक्रमित हुए। इनमें शामिल है सेक्टर 2 कोपर खेड़े नवी मुंबई 8 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 नेरुल 1 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 28 नेरुल 1 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 एरोली 10 वर्षीय बच्चा कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 10 एरोली 9 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 15 वाशी 5 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव, सेक्टर 17 कोपर खेड़ने 8 वर्षीय बच्ची कोरोना पॉजिटिव। कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में मरीजों की संख्या, सेक्टर 14 वाशी कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या दर्ज की गई 89। सेक्टर 3 सीबीडी बेलापुर कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या दर्ज की गई 93। आगरी कोली भवन कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या रही 50। सेक्टर 9 नेरुल कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या रही 57। सावली घनसोली कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या रही 38। समाज मंदिर एरोली कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या रही 64। वाशी एग्जीबिशन कोविड केयर सेंटर मरीजों की संख्या रही 369। वाशी डेडिकेटेड कोविड अस्पताल मरीजों की संख्या दर्ज की गई 128। ऑल इज वेल, आज नवी मुंबई के लिए ऑल इज वेल ये रहा कि 150 कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज कर दिए गए, और इसी के साथ कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा भी बढ़कर 4266 तक पहुंच चुका है। कोरोना मुक्त व्यक्तियों का आंकड़ा इसी के साथ 56% दर्ज किया गया है। आज सबसे अधिक 59 मरीज नेरुल से डिस्चार्ज किए गए। दुखद घटना, आज नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण से कुल 7 लोगों की मौत के साथ कोरोना संक्रमण से मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़कर 239 तक पहुंच चुका है। मृतकों में शामिल है बेलापुर गांव 82 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, तुरभे स्टोर 28 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 5 एरोली 87 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 5 एरोली 73 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, विष्णुनगर दिघा 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, इल्ठनपाड़ा दिघा 68 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत, सेक्टर 1 घनसोली 69 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत। तो इसी के साथ डिस्चार्ज हुए मरीजों में शामिल है 65 महिलाएं और 85 पुरुष। बता दें कि डिस्चार्ज हुए लोगों में शामिल है बेलापुर से 4 महिलाएं 9 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, नेरुल से 29 महिलाएं 30 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, वाशी से 1 महिला 3 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, तुरभे से 11 महिलाएं 14 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, कोपर खेड़ने से 8 महिलाएं 5 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, घनसोली से 10 महिलाएं 11 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए, एरोली से 2 महिलाएं 12 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किए गए, जबकि दिघा से 1 पुरुष कोरोना मुक्त होकर डिस्चार्ज किया गया। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि आज कहां कहां पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। सबसे पहले बढ़ते हैं एरोली की तरफ। एरोली में 26, बेलापुर में 8, दिघा में 6, घनसोली में 28, जुईनगर में 12, कोपर खेड़ने में 51, नेरुल में सबसे अधिक 63, रबाले में 7, सानपाड़ा में 9, सीवुड में 13, तुरभे में 2 और वाशी में 32 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बता दें कि सानपाड़ा सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 10 से 1, सेक्टर 8 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 7 से 2, सानपाड़ा से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई, जबकि एरोली सेक्टर 14 से 3, सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 2, सेक्टर 17 से 1, सेक्टर 20 से 1, सेक्टर 10 से 4,
सेक्टर 1 से 3, सेक्टर 8 से 2, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 4 से 1, सेक्टर 3 से 3, सेक्टर 2 से 1, सेक्टर 20A से 1, एरोली से 1, सेक्टर 2A से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। रबाले की तरफ बढ़े तो रबाले से 4, तलवली गांव से 1, गोटिवली गांव से 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। घनसोली की तरफ बढ़े तो सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 16 से 1, घनसोली से 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं घनसोली गोटिवली गांव से 2, सेक्टर 19A से 1, सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 5 से 2, सेक्टर 7 से 3, सेक्टर 4 से 4, सेक्टर 9 से 5, सामर्थ नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। कोबेगेड़े की तरफ बढ़े तो सेक्टर 1 से 1, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 15 से 2, सेक्टर 16 से 1, सेक्टर 17 से 3, सेक्टर 19 से 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सेक्टर 18 से 1, सेक्टर 10 से 2, कोबेगेड़े से 4, सेक्टर 6 से 2, सेक्टर 1 से 3, सेक्टर 8 से 1, सेक्टर 19B से 1, सेक्टर 5 से 4, सेक्टर 7 से 5, पावनी गांव से 4, सेक्टर 4 से 2, सेक्टर 2 से 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वाशी की तरफ बढ़े तो सेक्टर 15 से 3, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 17 से 2, सेक्टर 14 से 3, सेक्टर 26 से 1, सेक्टर 29 से 3, जुहू गांव से 1, सेक्टर 28 से 4, सेक्टर 12 से 4, सेक्टर 30 से 2, सेक्टर 1 से 1, वाशी गांव से 1, सेक्टर 7 से 1, सेक्टर 9 से 3, कोपरी गांव से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। दिघा की तरफ बढ़े तो बिंदु माधव नगर से 1, दिघा से 3, दर्शनवाड़ी से 1, सामर्थ नगर से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। सीवुड की तरफ बढ़े तो सेक्टर 48 से 2, सेक्टर 40 से 1, सेक्टर 42 से 1, सेक्टर 50 से 1, सेक्टर 23 से 1, सेक्टर 44 से 2, सेक्टर 48A से 2, सेक्टर 46 से 1, NRI कॉम्प्लेक्स से 1, सेक्टर 43 से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। नेरुल की तरफ बढ़े तो सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 19 से 2, सेक्टर 11 से 2, सेक्टर 20 से 12 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। सेक्टर 15 से 1, सेक्टर 18 से 2, सेक्टर 28 से 2, सेक्टर 40 से 1, सेक्टर 13 से 1, सेक्टर 19A से 1, सेक्टर 10 से 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। वहीं नेरुल सेक्टर 23 से 1, करावे गांव से 2, शिरवने गांव से 1, सारसोली से 3, सेक्टर 6 से 1, सेक्टर 1 से 2, सेक्टर 36 से 2, सेक्टर 8 से 3, सेक्टर 16A से 3, सेक्टर 21 से 3, सेक्टर 5 से 1, सेक्टर 9 से 1, कुक्षित गांव से 1, सेक्टर 3 से 1, सेक्टर 44A से 1, शिरवने से 1, सेक्टर 1A से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। जुईनगर की तरफ बढ़े तो सेक्टर 25 से 2, सेक्टर 24 से 4, सेक्टर 23 से 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बेलापुर की तरफ बढ़े तो सेक्टर 14 से 2, सेक्टर 11 से 1, सेक्टर 20 से 1 और CBD के विभिन्न सेक्टर से कुल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। वहीं तुरभे की तरफ बढ़े तो सेक्टर 20 से 1 और तुरभे से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया। तो चलिए अब ग्राफिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन से एज ग्रुप में सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दर्ज की गई। बता दें कि 0 से 10 साल की एज ग्रुप में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए, 11 से 20 साल की एज ग्रुप में 15, 21 से 30 साल की एज ग्रुप में 46, 31 से 40 की एज ग्रुप में 58, 41 से 50 की एज ग्रुप में 64 और 50 से अधिक के एज ग्रुप में 67 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर्ज की गई। तो चलिए अब डालते हैं आंकड़ों पर नजर। कुल COVID-19 टेस्ट जनसंख्या 22,145, कोरोना पॉजिटिव केस 4 जुलाई 2020 यानी आज 257, कोरोना कुल पॉजिटिव केस 7,602, कोरोना के एक्टिव केस 3,097, क्वारंटाइन का समय पूरा करने वालों की संख्या 50,071, कोरोना जांच में पाए गए कुल नेगेटिव केस 13,848, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का कुल आंकड़ा 4,266, कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव का आंकड़ा 4 जुलाई 2020 यानी आज 150, कोरोना से मृत्यु का कुल आंकड़ा 239 और आज कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा दर्ज किया गया 7। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मिनट वर्क।